खबर मंदसौर जिले के श्यामगढ़ से। श्यामगढ़ 28 करोड़ के ओवरब्रिज को लेकर के कांग्रेसियों ने रेल मंत्री के नाम श्यामगढ़ तहसीलदार आरएल मुनिया को दिया ज्ञापन की उच्च स्तरीय जांच की मांग। मंदसौर जिले के श्यामगढ़ कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं ने 28 करोड़ से निर्मित रेलवे ओवरब्रिज के घटिया निर्माण की उच्च स्तरीय जाँच की मांग की गई है। आपको बता दें कि ओवरब्रिज को बने मुश्किल से 6 माह भी नहीं पूर्ण हुए व उसके घटिया निर्माण की पोल खुल गई। इस अवसर पर कांग्रेस के सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित थे। श्यामगढ़ संवाददाता संजय चौहान की रिपोर्ट। इस ब्रिज का उद्घाटन किया, यहाँ तो ना लाइटिंग की सुविधा है और ना किसी तरह की जांच की गई है। आनंद फानंद में उद्घाटन का नतीजा ये हुआ कि ब्रिज आज इतने कम आवागमन के बाद भी धंसने लगा है। एक यहाँ पे इंजीनियर साहब का कहना है कि पानी ज़्यादा आने से, लेकिन मैं शामगढ़ की जनता और आसपास के जो क्षेत्र के हिसाब से यहाँ बिल्कुल भी बरसात शुरुआत भी नहीं हुई है और वो उनका ऐसा स्टेटमेंट अशोभनीय है। मेरी मांग है कि इसकी निष्पक्ष जाँच की जाए और जो भी दोषी उन पर कार्रवाई की जाए। पवन पांडे के जनता ज्ञापन दिया था हमारे द्वारा, जो विगत 6 महीने पूर्व हमारे क्षेत्र के मंत्री जी द्वारा ये पुल का निर्माण किया गया, उद्घाटन किया गया था। इस पुल की उन्होंने कोई ना तो जांच करवाई, ना किसी भी प्रकार का इंजीनियर ने इस पुल को देखा परखा। डायरेक्ट इसका चुनाव को देखते हुए मंत्री जी ने इसका उद्घाटन कर दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि इस पुल को 6 महीने में ये पुल क्षतिग्रस्त होने लग गया है और आज इसकी हालत ये है। वो तो भगवान की कृपा रही कि इसमें कोई दुर्घटना नहीं हुई। अगर मान लो कोई दुर्घटना होती तो उसके जिम्मेदार मंत्री जी रहते। हमने इसके लिए उच्च स्तरीय जांच की मांग की। क्या अगर जांच नहीं होती है तो आगे आपकी क्या विरोध प्रदर्शन करेंगे अगर जांच? क्या नाम है आपका? नितिक पटेल।